द एवरेज वेट ऑफ फाइव मैन इज डिक्रीज बाई थ्री के जी वैन वन ऑफ देफ्टी के जी इज रिप्लेस्ड बाई अनदर पर्सन दिस न्यू पर्सन इज अगेन रिप्लेस बाई अनदर पर्सन हुट इज थर्टी के जीज लोअर दैन द पर्सन ही रिप्लेस्ड वॉट इज द ओवरऑल चेंज इन दिस वॉट इज द ओवरऑल चेंज इन एवरेज ड्यू टू दिस ड्यूअल चेंज क्वेश्चन समझ में आ रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड है हमें क्या दिया है कोई पांच लोग हैं ये पांचों की सेट मान लेते हैं मैं यह चार लोग मान लो ये चार हैं और पांचवा इसके बगल में मैं एक रेट से अलग से बनाता हूँ ठीक है ये अब जो बार बार चेंज होते जाएगा उसके बाद फिर क्या दिया है ये पांचवें का वेट 150 सौ पचास के जी है ना एवरेज वेट ऑफ फाइव मैन इज डिक्रीज बाई थ्री के जी वन वें वें वन ऑफ डे एम वेइंग वन फिफ्टी के जी मतलब इस पांच में से कोई एक 150 सौ किलो का था उसी को मैंने अलग रखा है ये लाल वाला है इसको बदल दिया गया इसको बदल के क्या किया गया ये चार के चार तो वैसे ही रह गए इसकी जगह पे मान लो कोई दूसरा यह आ गया यह दूसरा आने से क्या हो गया कि एवरेज जो था हमारा तीन के कम हो गया है ठीक है कोई बात नहीं क्वेश्चन समझना है पहले यह चार पाँच लोग थे पाँचवें में से पाँच में से किसी एक का वेट 150 किलो था उसको हटा के किसी दूसरे को रख दिया गया तो एवरेज के लोग कम हो गया अब दिस न्यू पर्सन इज अगेन ये हरा वाला जो नया आदमी आया इसको फिर से हटा दिया गया रिप्लेस कर दिया गया तो यहां पे एक तीसरा ब्लॉक में बना देता हूं है ना ये चार लोग तो कॉमन है इसको रिप्लेस करके हमने फिर एक तीसरे बंदे को रख दिया गया अब इसका वेट जो है हरे वाले से तीस किलो कम है इस पीले आदमी का वेट हरे आदमी से तीस किलो कम है ये समझ में आ रहा है ना हु वेट इज थर्टी के जीज लोअर देन द पर्सन ही रिप्लेस्ड मतलब ये पीला आदमी जिसके जगह पे आया है इस उस आदमी से मतलब हरे आदमी से इसका वजन तीस किलो कम है तो वॉट इज द ओवरऑल चेंज इन द एवरेज ड्यू टू दिस डूअल चेंज मतलब दो बार चेंज हो गया एक यह चेंज हुआ एक यह चेंज हुआ क्वेश्चन समझना है क्वेश्चन अब क्लियर हो गया अब तो क्लियर है ना <laughs> चलो ठीक है क्वेश्चन जब क्लियर हुआ तो फिर आंसर तो बन जाएगा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर कुछ खास नहीं बचता है आंसर ने अब यह समझ में आ रहा है इसका वेट कितना होगा वन थर्टी फाइव होगा इसका वेट एक सौ पचास था इसका एक सौ पैंतीस होगा समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझाता हूं एवरेज वेट तीन किलो कम हुआ है, है ना एवरेज वेट तीन किलो कम हुआ है मतलब पांचों आदमी का एवरेज तीन किलो कम हुआ है मतलब पांच गुना तीन पंद्रह किलो टोटल वेट कम हो गया टोटल वेट पंद्रह किलो कम हुआ है अब यह तो पूरा सेम है ही इसके जगह पे इसको लाया गया तो सारा का सारा जो चेंज हुआ इसी में है पंद्रह का पंद्रह किलो इसी में कम हुआ है हुआ ना देखो वर्बली बन जाएगा अब ये क्वेश्चन ये बात अगर समझ में आ गई तो एकदम क्वेश्चन वर्बली बनने वाला है उसके बाद क्या किया है कि अनदर पर्सन हुस वेट इज थर्टी के जी लोअर्स मतलब इसका वजन जो है एक सौ पाँच किलो होगा इससे तीस किलो कम हरे वाले से तीस किलो कम एक सौ पाँच किलो ठीक है ना तो ओवरऑल चेंज इन एवरेज मतलब ओवरऑल वेट में चेंज कितना हो गया है पैंतालीस किलो का पैंतालीस बटा पाँच कर देंगे तो यह नौ किलो का ओवरऑल चेंज हो जाएगा जब वर्बली समझ में आ रहा है समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी इसको पेपर पे कैसे बनाएंगे इस तरह से बता देता हूं देखो इन चारों का वेट मैं मान लेता हूं कुछ ए है चारों का टोटल वेट ए मान लेता हूं मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ना है चारों का वेट तो उठना का उतना ही है हमारे पास दूसरा बंदा चेंज होते जा रहा है चलो अब हमें यह एक और एक नहीं पता है है ना जिनको अभी तक समझ में आ गया उनको आगे देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जिनको अभी तक नहीं समझ में आया वो देखो अभी समझ में आ जाएगा ठीक है तो यहां पे हमारा टोटल वेट कितना था चार लोग का एक सौ किलो प्लस उसके बाद पांचवे का एक सौ पचास किलो ठीक है और यहां पे हमारा टोटल वेट कितना कम हो रहा है तीन किलो कम हो रहा है ना टोटल वेट तीन किलो कम हो रहा है यहां से सॉरी तीन किलो पर आदमी वेट कम हो रहा है मतलब इन चारों का वेट चार यहाँ पर जो चार आदमी है एवरेज में चारों का वेट तीन तीन, तीन किलो कम हो गया है और इसका भी वेट एवरेज में तीन किलो कम हो गया है मतलब टोटल पंद्रह किलो कम हुआ है समझ में आ रहा है टोटल पंद्रह किलो कम हुआ है तो ए प्लस वन फिफ्टी माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू वन थर्टी फाइव प्लस ए तो है ही तो यह वन थर्टी फाइव हमारा आता है समझ में आया तो ठीक है नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूं फिर से देख लू इसको ये टोटल वेट इतना है और एवरेज हम लोग मान लेते हैं एक्स था यहां पे ठीक है ना तो वन ए प्लस वन हंड्रेड एंड फिफ्टी इज इक्वल टू पांच लोगों का एवरेज एक्स था फाइव एक्स होगा ठीक है अब जब यहां पे बात करेंगे हम लोग तो एवरेज कितना हो गया है तीन किलो कम हो गया है फाइव एक्स माइनस थ्री हो गया है ये कितना हो जाएगा फाइव एक्स माइनस फिफ्टीन ठीक है ना? और फाइव एक्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस एक सौ पचास ए प्लस एक सौ पचास माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू ए प्लस वन थर्टी फाइव इसका वजन एक सौ पैंतीस किलो आ गया है ना चूंकि चारों का तो ए है चारों का ए है पाँचवें का वज़न एक सौ पैंतीस किलो होगा तभी तो ए प्लस वन थर्टी फाइव होगा अब जब इसका 135 आ गया तब इसका तो 30 किलो कम करना है 105 किलो करना है इसका 105 किलो करना है और a प्लस एक सौ पांच डिवाइड बाई फाइव यही तो होगा एवरेज है ना a प्लस एक सौ पांच डिवाइड बाई फाइव एवरेज होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस एक सौ पांच प्लस पैतालीस और बाय पांच सॉरी 150 सौ पचास माइनस पैंतालीस लिखेंगे इसको ए प्लस एक माइनस पैंतालीस डिवाइड बाई फाइव तो दोनों में ही होगा तो यह क्या आ गया हमारे पास ए प्लस एक सौ पचास बटा पांच यहां से हमें इसकी वैल्यू मिल रही है एक्स और 45 बटा पाँच की वैल्यू मिल रही है नाइन माइनस नाइन एक्स माइनस नाइन नौ किलो टोटल डिफरेंस आया पुराने एवरेज से नौ किलो का डिफरेंस आया समझ में आया इसी को मैंने वर्बली कर दिया था हमने क्या किया था यहाँ पहले स्टेप में जब मैं सबसे पहले सॉल्व किया था तो हमने देख लिया कि इसका वज़न एक किलो है है ना और टोटल वज़न कम हो रहा है पंद्रह किलो पंद्रह पाँच तीन किलो एवरेज में कम हो रहा है तो टोटल पंद्रह किलो कम हो रहा है ना ये ऐसे ही आया था पंद्रह तो माइनस थ्री इंटू फाइव माइनस फिफ्टीन होना था और ये माइनस फ़िफ्टीन पूरा का पूरा इसी आदमी में होना है क्योंकि और सारे तो कांस्टेंट है सारा का सारा चेंज इसी में होना है तो यह माइनस फिफ्टीन हो गया एक सौ पचास की जगह एक सौ पैंतीस हो गया फिर दस किलो तो यहाँ पर कम करना ही है जब इसका एक सौ दस किलो मिल गया वज़न तो शुरू से टोटल डिफरेंस कितना हुआ शुरू से टोटल डिफरेंस पैंतालीस किलो का आया है ना जो भी था पहला टोटल शुरू का टोटल जो भी आया था उससे 45 किलो कम हो गए ना माइनस फोर्टी फाइव हुआ माइनस फोर्टी फाइव डिवाइड बाई फाइव यही चीज मैंने वर्बली किया था समझ में आया ना अभी ए बी एंड सी रेंट ए पास्चर ए पुट्स एक्स ऑक्सन फॉर सेवन मंथ बी पुट्स फोर ऑक्सन फॉर फाइव मंथ्स एंड सी पुट्स फाइव ऑक्सन फॉर थ्री मंथ्स फॉर ग्रेजिंग इफ द रेंट ऑफ द पास्चर इज रुपीज वन सिक्सटी एट फाइंड एक्स इफ सी पे रुपीज फोर्टी फाइव एस रेंट इसमें तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है क्या दिया है से क्या होता है चारा चारागाह जहां पर लोग अपने गाय बकरी भैंस कुछ भी चला सकते हैं तो यहां पे बैल चलाना है इसे ठीक है अब ए जो है एक्स ऑक्शन चलाता है सात महीने के लिए बी चार ऑक्शन चलाता है पांच महीने के लिए और सी पांच ऑक्शन चलाता है तीन महीने के लिए तो रेंट जो भी दिया है ये 168 ये पर ऑक्शन पर मंथ कुछ होना चाहिए ना जितने भैंस हैं जितने महीने चलाओगे ऐसा ही कुछ होना चाहिए ना एक ऑक्स को एक महीने चढ़ने का इतना रेंट है तो इतने कितने ऑक्स कितने महीने चढ़े चढ़े उस हिसाब से निकाल देंगे तो ए को कितना रेंट देना चाहिए सेवन इंटू एक्स ऑक्शन का रेंट देना चाहिए बी को कितने का देना चाहिए फोर इंटू फाइव इजिकल टू ट्वेंटी ऑक्शन का रेंट देना चाहिए और सी को कितने का देना चाहिए फाइव इंटू थ्री इजिकल टू फिफ्टीन ऑक्स का रेंट सी को देना चाहिए यही है ना क्योंकि सबका टाइम ड्यूरेशन अलग अलग हो रहा है तो पर मंथ पर पर ऑक्स पर मंथ निकाल दिया हमने अब सी को पंद्रह ऑक्स का जो रेंट देना है यह देता है पैतालीस है ना तो पर ऑक्स कितना रेंट है पर ऑक्स 15 पर, पर मंथ 45 बटा तीन इज इक्वल टू पंद्रह रुपए पैतालीस बटा पंद्रह सॉरी उल्टा कर रहा हूं मैं पैंतालीस बटा पंद्रह इज इक्वल टू तीन रुपए पर ऑक्स पर मंथ पैंतालीस बटा पंद्रह इज इक्वल टू तीन ठीक है प्रति ऑक्स प्रति माह तीन रुपए देना है उस हिसाब से इसका कितना हो जाएगा बीस या साठ रुपए और इसका कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन एक्स और ये तीनों मिलकर के होना चाहिए वन सिक्सटी एट के बराबर ट्वेंटी वन एक्स प्लस सिक्सटी प्लस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू वन सिक्स एट मतलब ट्वेंटी वन एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी फोर्टी वन जीरो फाइव सिक्सटी और फोर्टी फाइव वन जीरो फाइव इसको वन सिक्सटी एट में माइनस कर दिया तो कितना बचा सिक्सटी थ्री यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई फिर से थ्री ऑप्शन ए बात समझ में आ गई पर ऑक्स पर मंथ रेंट कुछ लगना है तो ए ने कितने ऑक्स चलाए ट्वेंटी वन एक्स सॉरी सेवन एक्स बी ने चलाया ट्वेंटी सी ने चलाया फिफ्टीन और पंद्रह ऑक्स का वो पैंतालीस रुपये दे रहा है तो ये साठ देगा ये इक्कीस एक्स देगा और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकल गई कुछ मुश्किल नहीं था क्वेश्चन समझने वाली बात थी मेरी बात मानो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो बन जाएगा बिल्कुल बन जाएगा सारी परेशानी तभी होती है जब क्वेश्चन समझ में नहीं आता है राहुल बॉट थिंग्स वर्थ रुपीज ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ विच थर्टी पैसे वेंट फॉर सेल सेल्स टैक्स ऑन टैक्सेबल परचेजेस वॉट इज द इफ द टैक्स रेट इज सिक्स परसेंट व्हाट वॉज द कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम्स बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एक शॉपिंग करने जब भी हम लोग जाते हैं तो कुछ आइटम टैक्स फ्री होते हैं कुछ टैक्सेबल होते हैं टैक्सेबल पे टैक्स लगता है फ्री पे टैक्स नहीं लगता है, है न हमारे पास क्या है एक टैक्सेबल आइटम है उसका अमाउंट कुछ होगा जो हमें नहीं पता है और टैक्स फ्री कुछ है इसका अमाउंट कुछ होगा ये नहीं पता है इसके ऊपर टैक्स लगना है जीरो और इसके ऊपर टैक्स लगा है हमारा थर्टी पैसे मतलब जीरो पॉइंट थ्री रुपीज है ना तो इन दोनों का टोटल अब सबका सा, सा, टोटल जब कहते हैं तो हमारे पास ट्वेंटी फाइव आता है इतना क्लियर हो रहा है कुछ टैक्सेबल परचेज किया उसने उसके ऊपर तीस पर, तीस पैसे टैक्स दिया है और कुछ टैक्स फ्री था उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया टैक्स जीरो है और टोटल बिल उसका ट्वेंटी फाइव रुपीज़ है ठीक है ना क्वेश्चन समझ लेना है पहले क्वेश्चन जब समझ में आएगा तो बनाने में बहुत आसानी होगी अब यहाँ पर जो टैक्सेबल है है ना ये ट्वेंटी फाइव जो है या इन दोनों का इन दोनों का मतलब चारों का एडिशन है ट्वेंटी फाइव है ना यहाँ पे कुछ तो, आफ्टर टैक्स आएगा और यहाँ पे आफ्टर टैक्स आएगा इन दोनों का एडिशन ट्वेंटी फाइव है ठीक है तब हम लोग मान लेते हैं ए रुपए का उसने टैक्सेबल आइटम खरीदा ए पे सिक्स परसेंट टैक्स ए इंटू सिक्स परसेंट इज इक्वल टू थर्टी पैसे मतलब जीरो पॉइंट थ्री रुपीस, मतलब ए की वैल्यू हमें निकलगी बहुत आसानी से जीरो पॉइंट थ्री इंटू वन हंड्रेड डिवाइड बाई सिक्स पाँच रुपये पे पांच रुपये का टैक्सेबल आइटम था उसने उस पर तीस पैसे टैक्स दे दिया मतलब पांच रुपये तीस पैसे इधर का बिल हो गया क्लियर है है ना अब यह मत बोलना पांच रुपये टैक्सेबल था बीस रुपये यहाँ पे बैठा दिया तो बात गलत हो जाएगी ना बीस प्लस पांच पच्चीस होगा और तीस पैसे टैक्स कौन देगा तब तो टोटल बिल पच्चीस पॉइंट तीस हो जाता पच्चीस पॉइंट तीस हो जाता ना यदि यहाँ पे बीस टिक मार दिया होता तो यहाँ पे बीस और यहाँ पे 5 पच्चीस और तीस पैसे टैक्स के कौन देगा बात समझ में आ रही है समझना है बात को अब यहां पे हमारा पांच 30 तीस पैसा हो गया तो यह बीस नहीं होगा इसको अब कैलकुलेट करना होगा ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव पॉइंट थर्टी करने से हमें निकलेगा नाइनटीन पॉइंट सेवन जीरो यहाँ पे 19.70 होगा यहाँ का टोटल 19.70 और इन सब का टोटल करेंगे तब 25.00 होगा बात समझ में आ रही है हमारा आंसर 19.70 होगा टैक्स फ्री का 20 नहीं होगा 20 क्यों नहीं होगा यह समझना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में गलत आंसर के ट्रैप पे हम लोग बहुत आसानी से फंस जाते हैं उस पर नहीं फंसना है akram has two types of grapes one is the fresh grapes containing 80% water and dry grapes containing 25% water he sells 20 kg dry grapes by adding water to the dry grapes at cost price what is the profit percentage when water is added in proportion to that of fresh grapes to the 20 kg of dry grapes क्वेश्चन समझ में आ रहा है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो गई है देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन समझना है पहले तो दो तरह के ग्रेप्स हैं एक फ्रेश ग्रेप्स हैं जिसमें 80 परसेंट वाटर है और दूसरा ड्राई है जिसमें 25 परसेंट वाटर है ठीक है अब वो 20 किलो ड्राई ग्रेप्स को बेच रहा है ठीक है ना अब उसमें पानी मिला रहा है बाय एडिंग वाटर टू ड्राई ग्रेप्स ड्राई ग्रेप्स में वो पानी मिला रहा है और इन प्रपोर्शन टू डेट ऑफ फ्रेश ग्रिप्स मतलब पानी कुछ इस तरह से मिला रहा है कि यह फ्रेश ग्रिप्स जैसा हो जाए मतलब उसने 20 के जी ड्राई ग्रेप्स लिया इसमें वाटर ऐड किया मतलब फ्रेश ग्रेप्स जैसा कुछ ये मिक्सचर इसका बन गया पानी और ग्रेप्स का जो ओरिजिनल मटेरियल था दोनों मिलकर फ्रेश जैसा कुछ बन गया तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा वेट होगा 20 से ज़्यादा ही आएगा तो उसने 20 केजी खरीदा था और बेचा 20 से ज़्यादा किलो है तो उसे प्रॉफिट भी होगा कॉस्ट प्राइस सेम है मतलब जितने में खरीदा है पर केजी जितने में खरीदा है उतने में ही बेच भी रहा है यदि ए रुपये प्रति केजी जी खरीदा है तो बेच भी ए रुपये प्रति के रहा है लेकिन बीस के से ज़्यादा बेच रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ठीक है ना क्वेश्चन क्लियर है अब 20 किलो ड्राई ग्रेप्स लिया उसमें पानी मिला दिया वहीं दूध में पानी मिलाने वाली बात है और कुछ इस तरह से मिला दिया कि वह फ्रेश हो गया फ्रेश हो गया मतलब पानी का परसेंट 25 से बढ़ के अस्सी परसेंट हो गया है ना यहाँ 20 किलो में 25 परसेंट वाटर था और वाटर ऐड करने के बाद वो वाटर का परसेंटेज 80 परसेंट हो जा रहा है।, है ना बिल्कुल मिल्क मिल्क वाला क्वेश्चन बहुत बार बनाया उससे कंपेयर करो आसानी से समझ में आएगी बात ठीक है आओ देखते हैं इसको तब ध्यान देना बिल्कुल समझ में आएगा इसमें 25% परसेंट वाटर है इस 20 के में 25% परसेंट वाटर है मतलब वन फोर्थ वाटर है पाँच के जी वाटर है और पंद्रह के इसमें ग्रेप्स का मटीरियल है अब उसने इसमें कुछ वाटर मिला दिया है एक्स के जी वाटर मिला दिया है और यह तो पंद्रह का पंद्रह ही रहेगा है ना यह फाइव प्लस एक्स के जी हो गया है अब यहाँ पे वाटर का परसेंटेज 80 परसेंट है और ये कितना है 20 परसेंट समझ में आ रहा है ना ये 15 किलो जो है इसका ये 20 परसेंट है मतलब इससे चार गुना वाटर है मतलब इधर से साठ के है वाटर है ना पहले से पांच था पांच से मुझे कोई मतलब नहीं है अब ये सब हटा दो टोटल इधर साठ किलो है एटी परसेंट है साठ किलो है ठीक है तो टो, टोटल वेट कितना हो गया अब सेवेंटी फाइव के जी अब हो गया इतना आ गया तो क्वेश्चन बन गया ना अब क्या बचा है इसमें कुछ नहीं बचा है कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा बीस किलो का ट्वेंटी एक्स मान लो सेलिंग प्राइस कितना होगा पचहत्तर किलो का सेवेंटी फाइव एक्स मान लो, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा फिफ्टी फाइव एक्स डिवाइड बाई ट्वेंटी एक्स इंटू वन हंड्रेड कोई परेशानी नहीं है अब तो हमें आराम से कॉस्ट प्राइस मिल गया सेलिंग प्राइस निकल गया तो फिर परसेंटेज निकालने में कौन सी परेशानी आने वाली है टू हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव परसेंट का प्रॉफिट हो गया उसे बहुत ज्यादा हो गया ऐसा बिजनेस तो सबको करना चाहिए खैर क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्वेश्चन समझना चाहिए कोई एकदम मतलब मेरे वीडियोस देखने से मतलब यही निकल रहा है कि क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाए बने ना बने वो बाद की बात है बनाना तो सीख ही जाएंगे लेकिन क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो क्या करोगे क्वेश्चन समझ में आना चाहिए हर हाल में क्वेश्चन को समझना है वीडियो देखने का मेन इंटेंशन यही होना चाहिए कि क्वेश्चन समझ में आए किस तरह से अप्रोच करना है इन एन इलेक्शन ईच वोटर में वोट फॉर टू कैंडिडेट्स half of the voters vote for a but divide their votes between b c and d in the ratio 2 is to 3 is to uh, 3 is to 2 is to 1 after the remainder half vote for b and divide their votes between c and d in the ratio 2 is to 1 after the remainder half vote for c and d and the remaining 840 do not vote for anyone how many votes were received by a b c and d respectively क्वेश्चन समझ में आ रहा है धीरे धीरे क्वेश्चन को समझो पहले क्वेश्चन समझ में आएगा तो बात बनेगी क्वेश्चन को ही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है इलेक्शन में एक वोटर को दो वोट देने हैं, दो टू कैंडिडेट्स है ना दो कैंडिडेट वो, दो को वोट देने हैं अब आधे लोग जो है वो ए को वोट देते हैं पहला वोट तो ए को चला गया और दूसरा वोट बी और बी सी और डी में इस रेशियो में बट गया है ठीक है ना ये आधे वोटर की बात है आधे वोटर मतलब बी ए को वोट दे दिए और बी सी और डी को इस रेशियो में वोट डिस्ट्रीब्यूट हो गया बाकी जो आधे बचे थे ऑफ द रिमेंडर मतलब आधे जो बचे थे उसके आधे हाफ हाफ वोट फॉर बी मतलब आधे के आधे वन फोर्थ बी को वोट देते हैं एंड डिवाइड दोट बिटवीन सी एंड डी इन द रेशियो है ना 1/4 बी को दे दिए और वहीं 1/4 सी और डी को इस रेशियो में वोट दे देते हैं आफ्टर रिमेंडर 1/8 हो गया अब ऑफ का रिमेंडर मतलब 1/2 वोट 1/8 हो गया पहले में 1/2 था दूसरा में 1/4 था तीसरा में 1/8 आ गया 1/2 वोट फॉर सी एंड डी है ना जो बाकी 1/8 लोग बचे वो सारे सी और डी को दोनों वोट देते मतलब पहला सी को दूसरा डी को ऑफ द रिमेन एंड द रिमेनिंग एट हंड्रेड फोर्टी डू नॉट वोट आठ सौ चालीस लोगों ने मतदान नहीं किया बात समझ में आ रही है ना अब तब निकालना है ए बी सी और डी को कितने कितने वोट मिले ठीक है तो हमारे पास देखो गिन लेते हैं ए ए बी सी और डी और टोटल वोटर्स यहाँ पे देखो थ्री इश टू टू इजटू वन मतलब सिक्स आ रहा है सिक्स का मल्टीपल कुछ लेने से अच्छा रहेगा मेरे को तो मैं टोटल तो वोटर को ट्वेल्व एक्स मानता हूँ क्स इसलिए माना कि फिर उसके बाद दोबारा आधे हो जाते हैं मतलब ये आधे लोग का है to, to है रेशियो ना हाफ हाफ ऑफ द वोटर्स का है थ्री इंस टू टू इज टू वन इसलिए मैं ट्वेल्व एक्स ले रहा हूं ठीक है टोटल वोटर्स हमारे पास ट्वेल्व एक्स है ठीक है अब पहले बार में क्या दिया है कि हाफ वोट फॉर ए हाफ ऑफ द वोटर्स वोट फॉर ए मतलब सिक्स एक्स तो ए को दे दिए और सभी को दो वोट देना है तो बाकी जो सिक्स ये सिक्स एक्स जो है ये बी सी और डी को भी अपना सेकेंड वोट देंगे सेकेंड वोट को मैं दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा सिक्स एक्स ही अभी तक वोट पड़े हैं थ्री इंस टू 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 वन के रेशियो में सिक्स एक्स वोट पड़ जाएंगे यहां पे तो बी को पड़ेंगे थ्री एक्स सी को टू एक्स और डी को एक्स समझ में आ रही है बात सिक्स एक्स वोट पड़े हैं अभी तक सिक्स एक्स ए को पड़ गया और सिक्स एक्स ये सेकेंड वोट्स हैं उसके बाद क्या दिया है ऑफ द रिमाइंडर रिमाइंडर अब कितने बच गए थे सिक्स एक्स हमारे पास बच गए थे रिमाइंडर छः एक्स ने वोट दे दिया छ्स बचे हैं हाफ वोट फॉर बी मतलब थ्री एक्स बी को दे देते हैं अब ये पहला वोट है इसलिए मैं ब्लू से लिख रहा हूँ ग्रीन सेकेंड वोट को लिखूंगा अब हाफ वोट फॉर बी एंड डिवाइड वोट्स बिटवीन सी एंड डी इन द रेशियो टू इज टू वन मतलब ये थ्री थ्री एक्स जो है ये अपना सेकेंड वोट जो देंगे इन दोनों को जो देंगे सी और डी को देंगे और रेशियो टू इज टू वन रहेगा तो यहां पे टू एक्स और एक्स है ना यह सेकेंड वोट है या पहला वोट है थ्री एक्स और टू एक्स और एक्स सेकेंड वोट है ठीक है अब हमारे सिक्स एक्स वोटर ट्वेल्व सिक्स एक्स पहले दे दिए थे थ्री एक्स अब दे दिए हैं तो अब कितने बचे हैं थ्री एक्स वोटर बचे ऑफ्टर रिमाइंडर हाफ वोट फॉर सी एंड डी मतलब अब ये थ्री एक्स जो है इसमें से आधे आधे सी को पहला वोट देते हैं और डी को दूसरा वोट देते हैं ठीक है थ्री एक्स में वन पॉइंट फाइव एक्स अब दे दिए दोनों को वोट तो हमारा पास बच गया कितना वन पॉइंट फाइव एक्स जो है ये लोग वोट नहीं देते हैं ये सिक्स एक्स यहां पर वोट दे दिए थ्री एक्स यहां पर वोट दे दिए वन पॉइंट फाइव एक्स यहां पर वोट दे दिए तो डिफरेंस हमारा कितना बच गया वन पॉइंट फाइव एक्स तो वन पॉइंट फाइव एक्स जो बचा है सिक्स प्लस थ्री नाइन प्लस वन टेन पॉइंट फाइव एक्स हो गया है ट्वेल्व में से कितना बच गया 12 में टेन पॉइंट फाइव चला गया वन पॉइंट फाइव एक्स बच गया ये कितना है आठ सौ चालीस यह क्वेश्चन में दिया है मैं कहीं से लिख नहीं रहा हूं रिमेनिंग एट हंड्रेड एंड फोर्टी डू नॉट वोट है ना x की वैल्यू 1.5x बचे थे जो वोट नहीं देते हैं वो 840 है यहां से x की वैल्यू कितनी आती है फाइव सिक्सटी एक्स की वैल्यू 560 आ गई हमारी क्लियर है कोई परेशानी तो नहीं हो रही है क्वेश्चन <coughs> फिर से समझ लो यहां तक एक बार हाफ ऑफ द वोटर्स वोट फॉर ए मैंने ट्वेल्व एक्स टोटल लिए थे उसमें से आधे जो है हाफ वोट फॉर ए सिक्स एक्स ए को वोट दे दिए बट डिवाइड सेकेंड वोट सभी को दो वोट दे रहा है <coughs> तो ये आधे सिक्स एक्स जो है ये दूसरा वोट किसको देते हैं बी सी और डी को उनका रेशियो दिया है थ्री इज टू टू इज टू वन थ्री इज टू टू इज टू वन का रेशियो में इन तीनों को वोट मिल गया सेकेंड वोट इसलिए ब्लू में मैंने फर्स्ट वोट लिखा है सेकेंड वोट को ग्रीन में लिखा है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो है नहीं ना सिक्स एक्स फर्स्ट वोट है और इधर टू प्लस वन थ्री प्लस थ्री सिक्स सेकेंड वोट भी सिक्स एक्स है फिर है ऑफ द रिमाइंडर हाफ वोट फॉर बी मतलब सिक्स एक्स तो पहले वोट दे चुके हैं सिक्स एक्स बचे हैं सिक्स एक्स में से आधे बी को वोट देते हैं थ्री एक्स एंड डिवाइड वोट्स बिटवीन सी एंड डी इन द रेशियो टू इज टू वन ये थ्री एक्स जो वोट बी को दे दिए ये लोग अपना सेकेंड वोट दे रहे हैं सी और डी को रेशियो टू इज टू वन में टू इज टू वन के रेशियो में ठीक है अब कितने बचे थे सिक्स और थ्री नाइन एक्स वोट दे चुके हैं इनको नहीं कि ना ये सब सेकेंड वोट है सिक्स और थ्री नाइन एक्स वोट दे चुके हैं ट्वेल्व एक्स टोटल था बचे हैं थ्री एक्स थ्री एक्स में से ऑफ्टर रिमेंडर हाफ वोट फॉर सी एंड डी थ्री एक्स का आधा सी को पहला वोट मिला डी को दूसरा वोट मिल गया दूसरा वोट ग्रीन है हाफ मतलब वोट फॉर सी एंड डी रिमेनिंग एट हंड्रेड फोर्टी डू नॉट वोट मतलब सिक्स और थ्री नाइन प्लस वन पॉइंट फाइव टेन पॉइंट फाइव एक्स वोट पड़ गए बचे कितने वन पॉइंट फाइव एक्स ट्वेल्व एक्स में से वन पॉइंट फाइव एक्स बच गया वो 840 के बराबर है तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 560, ठीक है अब a को कितने वोट पड़े हैं 6x, b को कितने पड़े हैं 6x, है ना a को 6x एक्स इज इक्वल टू सौ साठ गुना छ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3360, b को भी 6x है 3x एक्स प्लस थ्री एक्स आ रहा है C को C को टू प्लस टू फोर प्लस वन पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव एक्स कितना हो जाएगा थर्टी एटी और D को वन प्लस वन टू प्लस वन पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव एक्स कितना हो जाएगा नाइनटीन सिक्सटी कैलकुलेट कर लेना यही आएगा ऑप्शन ए होगा इसका समझ में आ गई बात